मैंने अभी लगाया इन दोनों पे और ये मीटर हमारा शो कर रहा है, यानी कि स्पीकर हमारा ओके है। अब जो ये फॉल्ट है थोड़ा सा इसको सही ढंग से देखना होगा। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जो ये टीवी में एक प्रॉब्लम है जो कि मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। पिक्चर तो ओके आ रहा है लेकिन इसमें साउंड की कमी है। जैसे मैं रिमोट से अभी साउंड फुल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिमोट से भी साउंड फुल है। और यहीं पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये इसका टीवी का रिमोट है, ओरिजिनल सैमसंग का ये टीवी है। तो 88-89-90 यानी कि 94% 95% हमने टीवी के वॉल्यूम से भी कर दिया है, लेकिन ना तो इसमें कोई सनसनाहट आ रही है और ना तो कुछ भी इसमें रिस्पांस आ रही है, आवाज़ कुछ भी नहीं आ रहा है। मैंने 3RC लीड जो है लगा रखा है इसका, दो ऑडियो का और एक वीडियो का। तो अब इस सिचुएशन में इसमें क्या दिक्कत है हम आप सभी के बीच वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो अभी मैंने टीवी को ओपन नहीं किया है, ये आप देख सकते हैं मैंने तीनों लीड जो है इसमें लगा रखा है। और चलिए देखते हैं इस सिचुएशन में क्या फॉल्ट होता है। मैं पहले इसको ओपन करता हूं उसके बाद दिखाता हूं आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ये टीवी को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मैंने देखा काफ़ी डस्ट था, तो डस्ट को मैंने क्लियर कर लिया है, ब्लोअर के माध्यम से साफ़ कर दिया मैंने। फिर भी थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं जाला वगैरह अंदर है, यानी कि काफ़ी दिनों के बाद ये टीवी ओपन हुआ है। अभी जैसा कि एक चीज़ मैं और आपको बताऊँ, जो नॉर्मल फॉल्ट होता है कि कभी कभी क्या होता है जो हमारा ये स्पीकर जो अगर ख़राब हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम आता है। तो अभी दोनों स्पीकर मैंने जो चेक किया है तो दोनों स्पीकर हमारा ओके बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये मीटर का मैंने अभी डायरेक्ट पे लगा दिया है मीटर, और ये कनेक्टर टीवी का पहले मैंने किट का निकाल दिया है। आप लोग कभी भी स्पीकर चेक करें तो पहले ये कनेक्टर या फिर ये कनेक्टर, जैसे कभी कभी किट के अंदर ही रहता है कनेक्टर लगा हुआ, तो वो आप ओपन कर दें उसके बाद आप स्पीकर चेक करेंगे तो सही कंटिन्यूटी आपको बताएगा। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं मीटर को मैंने डायरेक्ट पे लगा रखा है, ये प्रॉड मेरा मीटर शो कर रहा है। और इसी जगह पे अगर मैं ये स्पीकर के दोनों पिन पे लगा रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा बराबर बता रहा है, आप देख सकते हैं मीटर का प्रॉड मैंने दोनों पिन पर लगा रखा है और मीटर मेरा शो कर रहा है, यानी कि स्पीकर हमारा ठीक है। यही चीज़ हमारा इस पे भी है जो मैंने अभी लगाया इन दोनों पे, और ये मीटर हमारा शो कर रहा है, यानी कि स्पीकर हमारा ओके है। अब जो ये फॉल्ट है थोड़ा सा इसको सही ढंग से देखना होगा। ये कहीं से भी हो सकता है, ऑडियो इनपुट से या फिर हमारा प्रोसेसर ऐसी से या प्रोसेसर ऐसी के बाद जो हमारा साउंड ऐसी है साउंड ऐसी से, ये कहीं से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो चलिए मैं उस चीज़ को आपको पहले दिखाता हूँ जो आखिर ये प्रॉब्लम है कहाँ से और उसको मैं कैसे ट्रेस करूँ। तो अभी तो मैंने स्पीकर का वायर निकाल ही दिया है, और किट को मैं पलट लेता हूँ क्योंकि किट को पलटने के बाद ही हमें इसका सप्लाई दे करके देखना पड़ेगा। थोड़ा सा जगह जो है स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा इसको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि टीवी हमारा 21 इंच का है और ओरिजिनल है। अब इसमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा साउंड आईसी लगा हुआ है, साउंड आईसी के ऊपर हमें पहले चेक करना होगा कि हमारा सप्लाई आ रहा या नहीं आ रहा। और साउंड एसी का सप्लाई चेक करेंगे जो हमारा सप्लाई बराबर है या नहीं। डीसी 50 वोल्ट के रेंज पे मैंने मीटर को लगा दिया है और एक प्रोड में निगेटिव के लिए जो है CRT से ले लिया। टीवी मेरा ऑन है,
ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है जो यहाँ पे हमें बीस 18 वोल्ट के आसपास आ रहा है। ये आप देख सकते हैं 18 वोल्ट पॉजिटिव आ रहा है जो कि इस पिन पे, और इस पिन पे हमारा पॉजिटिव सप्लाई आएगा क्योंकि डीसी 50 वोल्ट के रेंज पे है। तो यहाँ पे मीटर आ रही है तो 20 वोल्ट से थोड़ा एक पॉइंट कम है, तो 18-19 वोल्ट हमारा ये सप्लाई बता रहा है, यानी कि हमारा ये भी ठीक है, सप्लाई भी ठीक है। और अब हम इसको स्पीकर अलग से लगा करके और फिर उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि साउंड हमारा आ रहा या नहीं आ रहा। तो दोस्तों हमने स्पीकर का वायर लगा दिया है, अब 2RC 3RC कॉर्ड हम लगा देते हैं और उसके बाद टीवी को कंप्लीट ऑन करके उसके बाद हम वीडियो भी चलाएंगे और ऑडियो का आवाज़ चेक करेंगे। इसमें पहले भी कहीं काम हो रखा है, वो भी मुझे लगता है जो साउंड के पर्पस में ही काम हो रखा है। खैर कोई बात नहीं, अभी हमने टीवी ऑन कर दिया है। और दोस्तों मैंने अभी स्पीकर अलग से लगाया है और टीवी ऑन कर दिया है मैंने, ये पिक्चर आप देख सकते हैं। और साउंड अभी हमारा वैसा के वैसा ही है, सेटअप बॉक्स से मैंने फुल कर रखा है और टीवी से भी मैंने फुल कर रखा है, लेकिन साउंड अभी नहीं आ रहा। अब एक बार क्या होगा जो हम यहाँ पे आपको फिर से सप्लाई चेक करके दिखाएंगे। डीसी 50 वोल्ट के रेंज पे मीटर है हमारा और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सप्लाई ओके है, यानी कि अब 99% ये शक जाता है कि ये हमारा ऑडियो आईसी जो है ये ख़राब है। ऑडियो आईसी अब क्या नंबर का लगा हुआ है ये हमें देखना पड़ेगा, इस पर कोई ग्रिड भी नहीं है जैसे कुछ ग्रिड वगैरह आना चाहिए, वो भी नहीं आ रही है। आवाज़ ना आए तो बात अलग है, लेकिन जैसे मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ तो इसके ग्रिड के पिन पे ग्रिड आना चाहिए, स्पीकर में खर खर की आवाज़ आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है। इसका मतलब है ये ऐसी हमारा ख़राब हो रखा है। चलिए हम अभी एक बार दूसरा सेक्शन इसका चेक कर लेते हैं, क्या पता दोनों सेक्शन ख़राब है या एक ही सेक्शन ख़राब है। कभी कभी हमारा एक सेक्शन ख़राब होता है, एक सेक्शन चलता है, तो ये एक सेक्शन हमारा मैंने चेक कर लिया। अभी दूसरा सेक्शन का हमारा ये है कि दूसरा सेक्शन भी हमारा नहीं बज रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं दूसरा स्पीकर से नहीं बज रहा है। तो अब इस सिचुएशन में हमें ये आईसी ही चेंज करना होगा और आईसी चेंज करने के लिए हमें देखना है कि ये आईसी हमारे पास अवेलेबल है या कि नहीं है। चलिए इसको हम सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिए और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आईसी लगा हुआ है दोस्तों, ये हमारा मुझे लगता है 7297 का आईसी लगा होगा। हाँ 7297 का आईसी है जो कि इसको हमें चेंज करना है। चलिए मैं इसको चेंज करता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या फिर अभी भी फॉल्ट है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं अभी इसमें जो है नया आईसी लगा दिया है और नया आईसी लगाने के बाद में मैंने अच्छी तरह से इसको थिनर से साफ़ कर दिया है और जो हमारा पुराना आईसी है
ये मैंने आपको दिखाया था 72/97, ये एसी मैंने अभी निकाला है इसमें से, और इस जगह पे मैंने दूसरा एसी लगा दिया है, आप देख सकते हैं। ये भी हमारा 72/97 का ही एसी है, TDA 72/97। तो स्पीकर भी मैंने अभी लगा दिया है, जो कि हमें चेक करने में दिक्कत ना हो, और कॉर्ड भी मैंने लगा दिया है। टीवी एक बार मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ, टीवी मैंने ऑन कर दिया है दोस्तों, और चलिए आप स्क्रीन के सामने चलते हैं। टीवी ऑन हो गया है, एक बार मैं ए भी कर दूँ इसको, ए भी करने के बाद आप सुन सकते हैं कि इसका जो प्रॉब्लम था ये हमारा ठीक हो गया है, साउंड मैंने कम कर दिया। तो इस तरह से ट्रेस करके आप लोग भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले होता क्या है, जो हम लोग इधर उधर भटकना नहीं होता है साउंड के प्रॉब्लम में, सबसे मेन प्रॉब्लम ज़्यादातर आता है हमारा साउंड सेक्शन से। हाँ, कुछ प्रॉब्लम आता है जो हमारा ये 3 कोड जो लगा हुआ है, 3RC कोड, यहाँ से अगर आपका ये कनेक्टिंग सही नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम आता है। स्पीकर ख़राब होता है, ऐसी ख़राब होता है, सप्लाई में दिक्कत आती है। सप्लाई में दिक्कत आएगी तो जो हमारा यहाँ पे ये 18 वोल्ट आ रहा है, 16 वोल्ट 18 वोल्ट आ रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कैपेसिटर लगा हुआ है, और कैपेसिटर के बाद ये सप्लाई जहाँ से आ रहा है हमारा, हम उसको ट्रेस करते हुए जाएँगे हम जो हमारा ट्रांसफार्मर के आउटपुट सप्लाई होता है वहाँ तक। लेकिन हमारा जब यहीं सप्लाई मिल गया तो हम आगे उसमें ट्रेस नहीं किए, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम यहीं होगा ये हमने सुनिश्चित कर लिया था। तो सप्लाई हमें ट्रेस हो गया, उसके बाद हमने ऐसी चेंज कर दिया, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खाली शुद्ध सरसों पे क्वालिटी के 100 से भी ज्यादा टेस्ट से गुजरकर स्वाद और शुद्धता को बनाए रखता है। अब हमारा एक सेक्शन तो काम कर रहा है, दूसरा भी काम करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी में ही फॉल्ट था, दोनों सेक्शन काम नहीं कर रहा था। थैंक यू सो मच।